अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं जमीला मदर, आप देख रहे हैं वन ऑटो अराउंड। दोस्तों, ये मोटरसाइकिल की टैंकी में से कचरा मैंने बहुत ज़्यादा निकाला है। जो निकाला है वो मैं वीडियो मेंशन कर दूंगा और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। तो इसका ये भी मसला है कि दोस्तों, इसका ऑन पे पेट्रोल आता था और रिज़र्व पे इसका पेट्रोल जो जो ना बंद हुआ हुआ नहीं आ रहा, क्या मसला है? तो ये मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इसका ये फिरका वगैरह खोलेंगे, तो आपने वीडियो को ध्यान से देखना, और वीडियो अगर अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, और जो नए दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, इसको खोलते हैं। तो इसका ये 22 की चाबी है, 22 की चाबी से जो सा नहीं आपने लूज़ करना है तो खोल लेना है, सही है। इसमें अगर अभी पेट्रोल मैंने निकाल दिया थोड़ा बहुत होएगा, तो वो भी हम जो सा ना अगर निकला तो हम बोतल में डाल देंगे। तो इसमें अगर 3-4 लीटर पेट्रोल आपका होता है ना, तो ये इसका कचरा बहुत आसानी से इस तरीके से पाइप से निकल आता है, खोलने की ज़रूरत नहीं होती। तो अभी देखें इसमें कितना ज़्यादा गंद है, ये मैं जो सारा बोतल में डाल रहा हूँ, अभी थोड़ा सही रह गया था बस। तो ये देखिए इसमें कितना कितना कचरा निकला है, ठीक है। ये सारा हमारा पाइप से निकला है, मतलब जो हमने पाइप से निकाला ना उससे निकला है। तो अभी इसका छिड़काव भी आपको चेक करा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए इसमें गंद तो बहुत ज़्यादा निकला है। तो फिलकाक का जो है ना, फिलकाक मैंने इसका खोल दिया है, तो ये फिलकाक की भी जो है यहाँ सफाई करनी पड़ती है। देखिए इसके अंदर ये गंद आपको नज़र आ रहा है, ये आपने उतारा है ना ऊपर से ये वाला, तो ये देखिए इसके अंदर कितनी मिट्टी है ये, ठीक है। तो ये भी पाइप, ये ऊपर से मैं इसका फ़िल्टर उतार देना है, फ़िल्टर उतार के ये वाला पाइप भी आपने उतार लेना है ये। तो ये पाइप उतर गया, इसको सिर्फ आपने नीचे की तरफ मारना है। देखिए इसमें कितना गंद निकल रहा है, ठीक है, गंद निकल गया। अब इसको जो है ना हमने यहाँ पे हवा हवा मारनी है, यहाँ पे पहले रिजर्व पे लगा के हवा मारेंगे। ठीक है, इसको मैंने रिजर्व पे लगा दिया है, तो इसको जो है ना यहाँ पे हवा मारते हैं। अभी बहुत गंद निकले, ठीक है, रिजर्व पे मार के हवा लगा देनी, इसी तरह आन पे भी इसको करके जो है ना आप हवा लगा दें। ठीक है, इसको भी जो है ना पाइप जो से पाइप, ठीक हो गए। तो बस इसमें बस इतना कुछ ही होता है। अभी देखिएगा रिजर्व में भी आ जाएगा और ऑन में भी आ जाएगा इससे पेट्रोल। तो यह पाइप दोबारा से मैं वापस लगाता हूँ, ये वाला हमारा जो ऑन के लिए होता है हमारा, मतलब अगर हमने हम कहते हैं कि हमारा मोटरसाइकिल रिजर्व पे जो है ना ऑन पे 0.5 लीटर पेट्रोल हो, तो आप इस पाइप को छोटा कर दें, 0.5 लीटर पे हो जाएगा। ये भी तकरीबन 1.5 लीटर पे लगा होता है इसका, ऑन पे, ऑन पे पेट्रोल 1.5 लीटर पे आ रहा होगा तकरीबन, ठीक है। अब ये वाला ऊपर जो है इसका फ़िल्टर लगा देते हैं, ठीक हो गया। ये इसकी रबड़ है, रबड़ भी लगा के तो इसको करते हैं फिट। अभी टैंकी में हमारे पेट्रोल कम था, टैंकी में हमारे अगर ज़्यादा ज़्यादा पेट्रोल होता ना, तो ये कचरा बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जानी टैंकी। पाइप को मिलाते हैं, पाइप को पूरे टैंकी टैंक में मतलब घुमाते ना, जिस पाइप से हमने निकाला है तो सही फिट हो जाना था। तो ये भी जो है साफ़ हो गया, इसको दोबारा वापस मैं लगा देता हूँ। इसको जो है अब मैं अच्छे तरीके से टाइट कर दूँगा, तक यहाँ से कोई पेट्रोल वगैरह सेम ना करे, लीकेज वगैरह ना हो। ठीक है, ये टाइट हो गया। अभी जो इसमें मैंने पेट्रोल निकाला ना, तो ये मैं कपड़े कपड़ा रख के ना, पानी तो इसमें खैर इतना नहीं है, इसमें ज़्यादा ये देखें पानी नहीं है इतना, पर लेके जंग शंग लगा हुआ है, तो कपड़ा रख के जो है इसको मैं फोन के ना वापस टैंकी में डाल दूँगा। मैंने इस पर कपड़ा रख दिया है, तो इसके साथ जो है ना दोबारा पेट्रोल वापस डाल दूँगा। ये देखें इसमें अब कितना जो सा कचरा है। तो ये मैं कपड़े के ऊपर डाल के आपको दिखा देता हूँ, लगा के नज़र आ जाएगा आपको। ये देखें ये सारा कचरा इसमें सब निकला है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है ना अपनी टैंकी की सफाई वगैरह कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। फिलका वगैरह भी साफ़ कर सकते हैं। तो इसको भी ढक्कन वापस मैं लगाता हूँ,
ठीक है, टक्कर हमारा लग गया। अभी हम चेक करते हैं पेट्रोल रिजर्व पे आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये देखें, ये हमारा रिजर्व पे पेट्रोल सही आ रहा है, और आन पे तो भी इसका पेट्रोल कम है, जिस वजह से आन पे नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये भी हमारा फिलका वगैरह बिल्कुल ठीक हो गया है। अभी ये मिसिंग वगैरह भी नहीं करेगा, पहले जो से कुछ टाइम चल के ना बंद हो जाता था। तो वीडियो दोस्तों अगर अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर दें, और जो नए दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।